जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कुंडली के सप्तम भाव के बारे में आज चर्चा करेंगे। समय, विश्वास और सम्मान हमेशा ध्यान रखें। समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है। विश्वास एक बार टूट गया तो कभी विश्वास नहीं जम पाएगा, और एक बार सम्मान भी खत्म हो गया तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है। यह तीनों ऐसे पक्षी हैं, समय भी पक्षी है ये मान लीजिए, विश्वास भी पक्षी है और सम्मान भी पक्षी है। ये तीनों एक बार उड़ गए तो वापस नहीं आते हैं। एक बार मान सम्मान खत्म हो गया तो बहुत मुश्किल है कि अपना सिर ऊंचा उठा पाओ। एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा से विश्वास नहीं होता है, विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं होता है। और एक बार समय निकल गया तो वह समय दोबारा कभी नहीं आता है। इसलिए इन तीनों के बारे में ध्यान रखें। कोई भी मनुष्य हो, समय का अवश्य ध्यान रखें, विश्वास बनाए रखें, विश्वास को न टूटने दें, और अपने मान सम्मान और गरिमा को बनाए रखें। कुंडली का जो सातवां भाव होता है, जन्म कुंडली में लग्न कुंडली का जो सातवां भाव होता है उसमें विवाह देखा जाता है, प्रेम देखा जाता है, नैतिकता देखी जाती है, और स्त्री या पुरुष दोनों के संबंध में नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के संबंधों को देखा जाता है। इसलिए सप्तम भाव पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। विवाह करते समय इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बहुत से मनुष्य सप्तम भाव पे ध्यान नहीं देते हैं और कुंडली में केवल गुण मिलान के आधार पर विवाह कर लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि सातवां भाव पति पत्नी जिनको पूरा जीवन भर साथ रहना है उसके बारे में बताता है। तो कुंडली के सातवें भाव को युति का भाव कहा जाता है, पत्नी का भाव कहा जाता है। और कुंडली के इस भाव से मुख्य तौर पर मनुष्य के विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में संपूर्ण चीज ज्ञात की जा सकती है। सप्तम भाव यानी सातवें भाव से, तो कुंडली के सप्तम भाव से जीवन साथी के बारे में पता लगाया जा सकता है। स्त्री के मामले में कहा जा सकता है कि इसका पति किस प्रकार का रहेगा, और पुरुष के मामले में कहा जा सकता है कि स्त्री कैसी रहेगी। मूत्र अंग के बारे में पता लगाया जा सकता है कि क्या इसको मूत्र का रोग होगा या नहीं होगा। वैवाहिक खुशियां मिलेगी या नहीं मिलेगी, यौन संबंधी रोग होगा या नहीं होगा, व्यापार के बारे में, सट्टे के बारे में, कूटनीति के बारे में, सम्मान के बारे में, व्यापार की रणनीति के बारे में, व्यक्ति की गुप्त ऊर्जा को देखा जा सकता है सप्तम भाव से। जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो है, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब के बारे में भी अपन देख सकते हैं। व्यक्ति को बस समझदार होना चाहिए। और वेद और अवैध पारिवारिक रिश्ते, अवैध शादी, अवैध प्रेम संबंध, इनको भी इसी भाव से देखा जाता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें काम का संबंध सप्तम भाव से होता है। कुंडली के सातवें भाव में यदि अशुभ ग्रह हो, यानी अशुभ ग्रह का मतलब हो गया राहु, शनि, ऐसे पापी ग्रह जिनको बोलते हैं, या उसके आसपास कोई अशुभ योग बन रहा हो सप्तम भाव के आगे या पीछे, तो इसका पति पत्नी में विवाद का कारण
व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव से उसके पति को देखा जाता है और पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव से उसकी पत्नी के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में ग्रहों का पूजन उन्हें मजबूत बनाता है, इसलिए ग्रहों का पूजन करना चाहिए और उनको बैलेंस करना चाहिए। अब इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सी राशि बैठी हुई है, उसको भी देखना अनिवार्य होता है। अगर सप्तम भाव आपका खराब है तो कितना ही कमा लीजिए, आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। तो जीवन को सुगम बनाना हो, सुख और शांति और सम्मान के साथ जीने के लिए सातवें भाव को अच्छा करके रखना चाहिए हर मनुष्य को। और मनुष्य इसी भाव की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से जीवन में कष्ट की प्राप्ति आती है। एक पुरुष का यदि खराब हो जाता है तो वह दूसरी स्त्री के चक्कर में फंस जाता है, और यदि किसी स्त्री का खराब हो गया तो वह किसी पर पुरुष के चक्कर में उलझ जाती है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। कई बार पुरुष अपने बच्चों को और पत्नी को छोड़ देता है, स्त्री तो चाहती है रहना पर पुरुष नहीं रखना चाहता, और कई बार पुरुष स्त्री को रखना चाहता है परंतु स्त्री नहीं रहना चाहती है। यह सिर्फ सातवें भाव की वजह से होता है। तो प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि यदि आपकी लड़की खुशी से रहे, आपका लड़का खुश रहे विवाह के उपरांत, तो उसके सप्तम भाव की जांच अवश्य करवा लो। क्या सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और सप्तम भाव के आगे पीछे यानी छठे भाव में और अष्टम भाव में भी कौन सा योग बन रहा है, उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। अतः मनुष्य को सप्तम भाव के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के वैवाहिक जीवन से जुड़े अधिकतर प्रश्नों का उत्तर इस सप्तम भाव से ही पता लगाया जा सकता है। अतः मनुष्य के इस सप्तम भाव के कुंडली के सप्तम भाव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और विवाह के अतिरिक्त लंबी अवधि तक चलने वाले प्रेम संबंध के बारे में भी इसी से पता लगाया जाता है, तथा व्यवसाय में किसी के साथ साझेदारी के बारे में भी इस कुंडली में इसी ग्रह से पता लगाया जाता है, इसी भाव से पता लगाया जाता है। इसी सप्तम भाव से विदेश में रहने की संभावना भी पता लगाई जा सकती है। और ये भी कहा जा सकता है कि यदि सप्तम भाव खराब हो तो इन्हें पूजा पाठ से बढ़ा करके 70-80% तक अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। यदि सप्तम भाव खराब हो तो अपने कुल देवता पितृ देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसलिए सप्तम भाव का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो मनुष्य लव मैरिज करते हैं उनका सप्तम भाव खराब होता है। अब आजकल के लड़के लड़कियां बड़ों की बात नहीं मानते, उनकी सलाह नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, यह भी गलत है। अब चाहे जितनी कुंडली में गुण मिलान कर ले, अपन जब संस्कार ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मनुष्यों को अपने परिवार के सदस्यों को बच्चों को संस्कार देना चाहिए, और संस्कार देंगे तभी यह शादी ब्याह अच्छे से टिकती है। परंतु आज के जमाने में हम देख रहे हैं
लड़कियां गुरु ग्रह से बहुत ग्रसित होती है, और जब गुरु ग्रह से ग्रसित होती है तो यह मानकर के चले कि उनका पारिवारिक जीवन खराब होता है, क्योंकि एक तो वो पिता भी गुरु होते हैं, माता भी गुरु होती है, और अपने गुरु भी होते हैं। तो आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है वो अपने गुरु का कहना नहीं मानती है, इसलिए उनकी पारिवारिक जीवन खराब रहता है, और मनुष्य धक्के भी खाता है। आजकल की लड़कियों में संस्कार के बजाय अहंकार ज्यादा आ गया है। शादी के पहले किसी लड़की से रिश्ता रखना पुराने जमाने में पाप था, परंतु आजकल 30 साल की उम्र में शादी हो रही है, 28 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो लड़की का कहीं न कहीं पर रिश्ता कायम हो जाता है और वह पाप की उत्पत्ति करता है। पिछले जन्म के पाप कर्म के फलस्वरूप जो कष्ट मिलना है उन कष्टों में वृद्धि हो जाती है, और आज के जमाने में हम देख रहे हैं कलयुग में शादी के पहले लड़के लड़की रिश्ता रख लेते हैं और कहते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, हम तो आनंद ले रहे हैं, जबकि वो अपने कष्टों को और ज्यादा प्रखर कर रहे हैं, उससे कष्ट और बढ़ेंगे। लड़कियां और लड़के उनकी सोच बदल गई है, उन्हें केवल आजकल आनंद चाहिए, एंजॉय चाहिए, मर्यादा को उन्हें समाप्त कर दिया है। पुराने जमाने में विवाह संस्कार होता था, आज भी होता है, परंतु वो विवाह संस्कार में आजकल नाचना गाना नौटंकी यह सब होने लगा है। दुल्हन को दुल्हन की तरह जाना चाहिए, पर आजकल दुल्हन नाचते हुए जाती है और स्टेज पर भी रंडी के माफिक नाचती है। दुल्हन का मतलब होता है महालक्ष्मी, आपने महालक्ष्मी की मर्यादा को भंग कर दी है, और इसी प्रकार से दुल्हे का मतलब श्रीहरि विष्णु होता है। तो दुल्हा खुद शराब पी करके बैठता है, वह भी कहां विष्णु के प्रतीक रूप में बैठता है, तो ये दोनों ही पाप कर्म की उत्पत्ति करते हैं। तो पुराने जमाने में विवाह को बहुत बड़ा संस्कार मानते थे, आज भी है, परंतु पालन नहीं करने की वजह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है। और विवाह करने के पहले तरह तरह के अनुष्ठान करते थे, कुल देवता का अनुष्ठान होता था, पितृ देवता का अनुष्ठान होता था, रात जगा होता था, सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती थी, उसके बाद विवाह होते थे। यानी ईश्वर के प्रति दोनों को, लड़के लड़की दोनों को जिनका विवाह होना है उनको झुकाया जाता था, प्रणाम कराया जाता था, परंतु आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब सप्तम भाव की वजह से है। तो सप्तम भाव आपका खराब है तो उसे अच्छा करिए, कौन सी राशि बैठी है उसके इष्ट देवता और उस राशि के जो देवता हैं प्रत्याधि देवता आदि देवता उनका जप करिए और हवन करवाइए, तो आप शायद सुखी रह पाएंगे। अपने बच्चों को पाश्चात्य रंग में न रंगने दें, भारतीय सनातन पद्धति के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यता है, प्रथाएं हैं, उनका पालन अवश्य कराएं, तो विवाह के बाद उनके जीवन में कुछ सुख आ सकता है। और यदि आपने केवल कुंडली नहीं मिलाई, अपनी मर्जी से यदि विवाह कर लिया है तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कुल देवता, दोनों जगह के कुल देवी देवता
वो दोनों जगह के पितृ देवता परेशान अवश्य करेंगे, कष्ट अवश्य देंगे ही देंगे, चाहे किसी भी उम्र में मैं दे। कई बार बच्चे पैदा नहीं होंगे, यदि बच्चे पैदा हो गए तो बच्चा जवानी में मर जाएगा, और माता पिता को अपने सामने आंखों के सामने अपने बच्चे की यानी वंश वृद्धि जिससे होती है उसकी मृत्यु देखना पड़ती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। इससे बड़ा माता पिता के लिए भार कुछ नहीं होता है कि अपने सामने अपने बच्चों की मृत्यु देखे, पर ऐसा उनको देखना पड़ता है क्योंकि यह दोष होता है। बहुत से मनुष्यों के साथ में ऐसा नहीं होता है, तो एक पीढ़ी के बाद उनका वंश का नाश होना ही होना है, उनके यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। तो मानो या न मानो, कहीं न कहीं पर तो आगे पीछे आपको अपनी मन मर्जी से शादी करने का फल भोगना पड़ेगा, यह सत्य है। तो सहनशीलता बना के रखें, वैवाहिक रिश्तों को बना के रखिए, घर को बसा करके रखिए, और यदि आप बेटी के माता पिता हैं तो बेटी के घर में घर गृहस्थी में अपना प्रभाव बिल्कुल भी न रखें, तो बेटी का घर सुरक्षित रह सकता है। यह भी आपके जन्म पत्रिका से पता लगता है। जय माता दी, जय मां का मख्या।